मेरा जो मेरी जो एक्टिविज्म है वो रिलीजियस पर्सिक्यूशन पर है, जो बहुत कम लोग बात करते हैं। हम शिया लोगों पे बात कर लेंगे, हम मसीही बरादरी पे बात कर लेंगे, हम हिंदू फोर्स कन्वर्जन, ट्रेंडी टॉपिक्स है ना, मतलब कन्वीनियंट है, हम भी सेफ रहेंगे, वीगो नहीं आएगी बाहर, ठीक है, हमें भी ख़तरा नहीं है, लेकिन अहमदियों पे बात नहीं करेंगे हम। जिन दिस इज़ द वाहिद कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ सलाम करने पर आपको सज़ा है, जहाँ अगर आप मुसलमान की मुशाहबत भी करेंगे आपको सज़ा मिलेगी, 3 साल की फाइन मिलेगा, ये आपके मुल्क के कानून हैं। तो लेट अलोन हम दूसरे इश्यूज पे फोकस करें, लेट अलोन हम लोगों को ये बताएं कि ख्वाजा सिराज को आपने कहना क्या है। हमें तो ये तमीज़ नहीं है कि हम जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अपने आप को एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनकी इज्जत कर लें। तो ये तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, हम अभी उसी उसी चीज़ों से नहीं निकले। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होते हैं, आई थिंक रिलीजियस परसिक्यूशन में, रिलीजियस इंटॉलरेंस में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे नज़दीक दो किस्म के होते हैं, कि एक पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहाँ परसिक्यूशन आपकी होती है पॉलिटिकली, ठीक है, वो आपकी ये तहरीकें हो गई, TLP हो गई, आपकी ये सारी जमातें हो गई, ठीक है, इनका मकसद जो है वो सियासी है, और उस सियासी मकसद में इनको अगर आपको ये आप ये भी बता दें कि बात सही है, वो फिर भी आपकी बात नहीं मानेंगे, बिकॉज़ उनका मकसद सियासी है। दूसरा, अगर पर्सनल लेवल पे मेरा अगर किसी से इख्तलाफ हो रिलीजियसली, तो मैं एकेडमिकली उससे बात करूँगा, मैं एकेडमिकली जानने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये दो किस्म के रिलीजियस परसिक्यूशन में आती हैं चीज़ें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हमारा जो रुझान है वो एक तो पॉलिटिकली भी है, लेकिन अब सोसाइटी में, माशरे में, पर्सनल लेवल पे भी हम दूसरा ओपिनियन सुनने को पसंद ही नहीं करते, ठीक है। बहुत से एलीट सर्कल्स में भी पढ़े लिखे जो PhD करके आते हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, वही एक आमना ने मेरे ख्याल बात की थी कि सिर्फ इल्म होना काफ़ी नहीं है, शऊर होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको डिग्रियां, आपको इल्म, आपको शऊर नहीं देंगी, आपको एक सर्टन नॉलेज दे सकती हैं। इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू नो हाउ टू परफॉर्म अ सर्जरी, बट इट डजंट मीन यू आर इंटेलेक्चुअल,